सो गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो सो गाइस, मैं भारत यात्रा के दौरान आज पहुंच गया हूं सूरत में। जी हां, सूरत कल पहुंचा हूं। ऐसे कल कुछ सामाजिक लोगों से मुलाकात किया, जैसे महाराष्ट्रन समाज है जो नाभिक लिखते हैं, उधर के लोगों से मुलाकात किया। एक हमारे बैरिस्टर बाबू हैं पेंटर जी, उनसे मुलाकात किया। और हमारे साथ हमारे आज हैं सगन सेन जी, जो यहाँ के काफ़ी गणमान्य और बिजनेसमैन व्यक्ति हैं। तो इनके साथ कल डिनर विनर सब चीज़ हुआ, और अभी हम लोग जा रहे हैं और कुछ सामाजिक लोगों से मुलाकात करने के लिए। जी हाँ, तो वो सब जो आपको दिखाएंगे, चर्चा करेंगे, सामाजिक चर्चा। और क्या कुछ कह रहे हैं सगन जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया है। क्या बोलना चाहेंगे? बस आपकी ये जो मन की इच्छा है पूरी हो है, यही शुभकामना देता हूँ। तो गाइस बने रहिएगा हमारे साथ, कुछ कुछ लोगों से मुलाकात कराएंगे, वेट करवाएंगे। सूरत, जी हाँ, भारत यात्रा के दौरान 3 महीने से यात्रा का निकले हुए हैं, कई लोगों से मुलाकात की। तो आज हमारे साथ है हमारे सूरत में घनश्याम जी, और यहाँ के बहुत अच्छे कार्यकर्ता है, गौ सेवक है। और समाज के प्रति ज्यादा से ज्यादा समर्पण का भाव रखें, लेने का नहीं देने का भाव रखें। सभी समाज को ऐसा ही संदेश देना चाहिए कि हमारे को कुछ न कुछ समाज के लिए और राष्ट्र के लिए कुछ देना है और कुछ करना है। ऐसे भाव पूरे समाज का बने, और अपना समाज कभी कमजोर था ही नहीं, सबसे बुद्धिशाली समाज अपना था और शक्तिशाली भी था। उसके लिए वैसा ही समाज अपने को बनाना है। समाज को नशे से दूर रखना, संपूर्ण सात्विक और धार्मिक धर्म का महत्व सबसे ज्यादा होना चाहिए अपने समाज के, और नशे से समाज के लोगों को दूर करना, यही मूल संदेश है। और इसको कर्म का काम करने के लिए क्या करना चाहिए समाज में? अलग अलग सबको एक करने के लिए ही काम करना चाहिए। और जब हम पवित्र भाव से जुड़कर त्याग की भावना के साथ काम करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा समाज का नाम देश में भी होगा और पूरी दुनिया में भी होगा। आपका ये जो 3 महीने से जो आप यात्रा कर रहे हैं, ये बहुत ही पवित्र कार्य है और समाज को जोड़ने वाली ये प्रवृत्ति है। ऐसी यात्राएं समाज के अग्रणियों द्वारा भी होनी चाहिए, और अपना जो संदेश है वो भी समाज में देना चाहिए कि हम वास्तव में करना क्या चाहते हैं समाज के। क्या कहना सर आपका? सवाल आपने जो अभी अभियान रखा है भारत भ्रमण के लिए, लगभग 3 महीने हो चुके हैं, क्या आप हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कुछ जिले उत्तर प्रदेश होते हैं, आप गुजरात से अभी महाराष्ट्र जा रहे हैं, तो बहुत ही इनके लिए मतलब मैं क्या तारीफ करूं, मतलब बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं कि समाज को जोड़ने के लिए वो भी मोटरसाइकिल द्वारा घूम रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। इस समय में ऐसे कार्य करना हमारी काम धंधा हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप, और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसे कार्यकर्ताओं को दीर्घायु रखे और शक्ति संपन्न और समृद्धि संपन्न बनाए, ताकि ये समाज का ज्यादा से ज्यादा काम करे। ऐसी शुभेच्छा के साथ वंदे मातरम, बहुत बहुत धन्यवाद। So अभी हम सूरत में हैं घनश्याम जी के पास, और सामाजिक कार्यकर्ता है, ट्रस्टी भी है, और बहुत अच्छे विचार है जो इनके साथ कुछ वक्त बिता के मुझे लगा कि मैं आप लोगों को भी लेके आऊं वीडियो के माध्यम से। तो सर कैसे हैं? एकदम अच्छे जी। आज के नौ युवाओं के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप, जो समाज में एजुकेशन लेवल को आगे बढ़े, सामाजिक सोच रखे, नशा प्रति को त्यागे, उसके लिए क्या कुछ कहना है? अभी जो हमारी युवा पीढ़ी है उसके लिए हमारा एक ही कहना है कि अपनी सोच बड़ी रखे, नशे से दूर रहे। चाय के नशे को भी मैं नशा मानता हूँ, नशे की शुरुआत चाय से होती है। चाय पीने वाला व्यक्ति आगे भविष्य में जाके
बीड़ी पुड़िया पान मावा गुटखा शराब कुछ भी सेवन करेगा, इसके लिए मेरा तो कहना एक ही है कि जो जिसको चाय के नशे की आदत पड़ गई है उनको कम से कम अपने बच्चों को वो नशा उस पीढ़ी में नहीं जाए, इसके लिए उनको 20 साल तक दूध पिलाना घी पिलाना लेकिन चाय नहीं पिलाना, चाय से दूर रखेंगे 20 साल तक यदि ऐसा उनका पालन पोषण हमने कर दिया तो एक बहुत बड़ी बचत हो जाएगी और वो समाज में आगे चल के अच्छे नागरिक बनेंगे। चाय के नशे से बहुत सी पेट की जितनी भी बीमारियां हैं गैस बनने वाली सर दर्द की ये सारी चाय से होती है, इसके लिए चाय का सेवन अपने घरों में कम से कम हो और नशा तो बिल्कुल रोकना है। तो जो नशे की शुरुआत होती है वो चाय से होती है, उसको धीरे धीरे समाज में बंद करना और युवा पीढ़ी तो बिल्कुल सेवन नहीं करना, चाय का नहीं करना, नशे का नहीं करना, दूसरा शराब और मांस नॉनवेज बिल्कुल अपने जीवन में उपयोग नहीं करना चाहिए, उससे हमारी बुद्धि काम की होती है और राक्षसी बुद्धि हो जाती है, इसके लिए हम कोई भी गलत काम करेंगे और उसका परिणाम अपने जीवन में अपने परिवार पे अपने समाज के ऊपर भी उसका आता है। आज कोई भी गलत काम करते हैं तो ज़्यादातर देखने जाओ दुनिया में तो नशा करके ही करते हैं गलत काम, इसके लिए हमारी बुद्धि सात्विक रहेगी और हमारी बुद्धि आध्यात्मिक भी होनी चाहिए। सेन जी महाराज जो भगवान के इतने बड़े भक्त हुए हैं उनका जीवन चरित्र पढ़िए और वैसा बनने का प्रयास कीजिए, अपने घर में भी ज़्यादा से ज़्यादा धर्म के प्रति धर्म का माहौल भी रहना चाहिए, हमारी आस्था भी होनी चाहिए, हमारे जो इष्ट देवता है हमारे कुल देवता है उनको भी समय समय पर अपने को मानना चाहिए, जानना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए और अपने बच्चों को भी ये बात सिखानी चाहिए कि धर्म तत्व है यदि हमारे जीवन में रहेगा तो हम अच्छा काम करेंगे महान काम करेंगे और धर्म तत्व यदि अपने अंदर नहीं है तो हम कुछ भी पाप कर्म भी करेंगे वो भी अपने को कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, उसको हम समझेंगे ही, इसके लिए अपने जीवन में आध्यात्मिक बराबर रहनी चाहिए, हमारा खान पान एकदम शुद्ध रहना चाहिए और गाय की सेवा सनातन संस्कृति का मूल स्तंभ गाय है, ब्राह्मण वेद मंत्र मंदिर और गाय ये चार स्तंभ है, उसमें प्रथम स्तंभ गाय है, यदि गाय का पालन रक्षण हम नहीं कर पाए उसका उसके पदार्थों का हम सेवन नहीं करते हैं तो हमारी बुद्धि सात्विक नहीं होगी, इसके लिए उसके भी नज़दीक रहना, उसका जितना बन पड़े उतना काम गाय के लिए करना, अपने जीवन में भी करना दूसरों से भी करवाना और अपने घर में रोज हम कुछ न कुछ गाय का चीज ग्रहण करें, दूध खाइए आप, घी खाइए, दही खाइए, लेकिन जो नहीं खाने वाली चीजें हैं उनको बिल्कुल निषेध रखिए, अपना समाज निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा और अपने युवा भी सात्विक और उनकी बुद्धि अच्छी रहेगी और बीमार कभी बीमार नहीं होंगे। आप यदि गवे पदार्थों का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में कभी कोई बीमारी उत्पन्न ही नहीं होगी, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा नशे से दूर रहिए, अपनी सोच को बड़ा कैसे रखेंगे, जब आपकी बुद्धि सात्विक होगी तो आप सारे समाज का या देश का चिंतन करेंगे, हमारी बुद्धि संकीर्ण होगी तो हम उसके लिए राष्ट्र के लिए या पूरे समाज के लिए हम चिंतन नहीं कर सकते। और ये जो लक्की जी निकले हैं यात्रा के लिए इनके इनसे भी मेरे को जानने को मिला कि इन्होंने शिखा रखी है और शिखा क्यों रखी है इसके विषय में भी इनको पूरा जानकारी है। ये शिखा है वो ब्रह्मांड से सात्विक ऊर्जा ग्रहण करने का एंटीना है शरीर का, इसके लिए शिखा सबको रखनी चाहिए, ये हिंदू सनातन संस्कृति की पहचान है शिखा रखना। तो ये अपनी यात्रा पे निकले हैं, हमारी ढेरों शुभकामनाएं और शुभ इच्छाएं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनकी यात्रा संपूर्ण सफल हो और ये पूरे समाज में ऐसा कोई संदेश अपना छोड़ के आए जो समाज इनका अनुसरण करे और ये जिस उद्देश्य को लेकर निकले हैं समाज में मेल जोल बढ़ाने के लिए उसमें वो ज्यादा से ज्यादा सफल हो, ऐसी कामना के साथ जय श्री सेन जी महाराज की, भारत माता की जय, वंदे मातरम।